Hallelujah, 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 Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ खुदा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, मेरा अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं, दुनिया के नूर मेरा बदसा, जीवित बल ज्योतियों के पिता, सारोन के गुलाब, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अति महान तेजोमय प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, आदर करते हैं प्रभु से। एक और नए सुबह में, भोर में प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, अपने हाथों को उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से, लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, सच्चाई से आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, सारे प्राण आत्मते के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं, आपके बेसकीमती लहू की जय जयकार हो प्रभु, पवित्र लहू की जय जयकार हो, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। एक और नई सुबह आप हमें दिखाए हैं, एक और नए दिन का प्रकाश से हमारे जीवन में उदय किए हैं, धन्यवाद यीशु, पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद दिए, सुख शांति चैन की नींद दिए, हाँ प्रभु से हम और हमारा परिवार पूरे रात्रि अपने बिछौने में निश्चित सोए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक और नए दिन में आए हैं, प्रवेश किए हैं, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, स्तुति हो पिता, 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 धन्यवाद फादर, धन्यवाद धन्यवाद फादर, स्तुति करते हैं प्रभु जी, हे मेरे अब्बा आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आज की सुबह में आपका बाट जोहते हैं, जो भोर को आपका बाट जोहते हैं, वचन कहता है, आपका जीवित वचन बोलता है, अनमोल वचन बोलता है कि उन नए बल को प्राप्त करते हैं, जो भोर को आपका बाट जोहते हैं, उन नए बल को प्राप्त करते हैं, नई ताकत सामर्थ को प्राप्त करते हैं, उकाबों के नहीं उड़ते हैं, कभी थकते नहीं, श्रमित नहीं होते, हे प्रभु हमें वही बल, वही ताकत, वही सामर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए प्रभु जी, कि उकाबों के नहीं उड़े, कभी थके नहीं, श्रमित ना होके, अनुग्रह कीजिए प्रभु, आज के दिन के पहला समय आपको देते हैं, हाँ पहला समय में आपको आवाज़ दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना विनती दुआ याचना कर रहे हैं, आज के लिए हमें अनुग्रह चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहारा चाहिए, आपका अगुवाई मार्गदर्शन चाहिए, धन्यवाद यीशु, हमें आपकी ज़रूरत है, आज के पूरे दिन में प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, धन्यवाद यीशु, तू ही सादा सर्वादा के लिए खुदा है, हे प्रभु हमारी मृत्यु तक तू हमारा अगुवाई करने वाला, हमारे साथ रहने वाला खुदा है, हाँ मेरे प्रियो जब तक आप प्रभु के निकट रहेंगे, प्रभु भी आपके निकट रहेगा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, सारे कामों को काजों को सफल कीजिए, हर एक कार्यों को प्रभु सफल कीजिए, बंद कामों को आज स्टार्ट कीजिए, बंद मार्ग को आशीष को प्रभु खोल दीजिए, उनती सफलता को प्रभु खोल दीजिए,
जिनके जीवन से शैतान सुख शांति समृद्धिया को चैन को आनंद को हर्ष उमंग खुशियाँ को छीन लिया है, ख़त्म कर दिया है फिर से दी से। अनुग्रह का शैतानी अटैक से वार से बचाइए प्रभु, शैतानी कार्यों से बचाइए, श्रापों से छुटकारा दीजिए, अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी हाँ घोर अंधकार से छुटकारा दीजिए। परीक्षा में पढ़ने मत दीजिए, मुसीबत में पढ़ने मत दीजिए, समस्या उलझन कलेश से बाहर निकालिए, सारे दुखों से प्रभु छुटकारा दीजिए, दर्द पीड़ा से रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए, तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी नजरों से बचाइए, खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाइए, हजारों गुना खुशियाँ सबों के जीवन में भर दीजिए, जो कुछ की जरूरत आवश्यकता वो भरपूरी से दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे, देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय के उसका 1 पद को। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसमें लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। क्या लिखा है? मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से। हमारे बस में क्या है? किसी भी चीज़ के लिए सोच सकते हैं, हाँ किसी भी चीज़ के लिए सोच सकते हैं, कोई भी प्लान योजना अपने मन में बना सकते हैं, युक्तियाँ निकाल सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि कुछ कर नहीं सकते, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, करना हमारे बस की बात नहीं, परमेश्वर के बस की बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ प्राप्त करने की पाने की मन करता है, हाँ जी करता है। हम प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना के अंत में क्या बोलते हैं? आमीन, यानी कि ऐसा ही हो। आमीन करते क्या होता है? प्रार्थना में हम जो कुछ हैं मांगे हैं कहे हैं, हे प्रभु वैसा ही हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे आमीन बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, जबकि हाँ कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि प्रभु आमीन नहीं बोलता। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु आमीन बोलेगा। भजन संहिता 66 अध्याय के 18 में लिखा है कि अपने मन में कोई अनर्थ की बात मत सोचिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपने मन में कोई अनर्थ की बात, गंदी बात, दुष्टता की बात, पाप की बात, व्यभिचार की बात, बुराई की बात, शरीर और संसार की अभिलाषा की बात मत सोचिए। अपने मन को शुद्ध बनाइए, पाक के पवित्र बनाइए। नीति वचन 16 अध्याय के 2 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। क्या देखता है? हमारा चाल चलन नहीं, हम कितना खूबसूरत हैं, कितना लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटे हैं, सब नहीं देखता।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो हमारे मन को देखता है, उसकी दृष्टि हमारे मन पर रहती है। अगर हमारा मन शुद्ध रहेगा, पाक पवित्र रहेगा, हमारे मन की हर एक इच्छाएं पूरी हो जाएगी, प्रभु पूरा कर देगा। जो कुछ भी अपने मन में सोचेंगे, युक्तियां निकालेंगे, प्लान योजना बनाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के अंत में जब आमीन बोलेंगे, उसी वक्त प्रभु भी आमीन बोल देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, अपने मन में कोई गंदी बातें मत सोचिए, अपने मन को शुद्ध बना करके रखिए, ताकि आपके मन की सारी इच्छाएं लालसाएं प्रभु पूरा कर सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, सबों को शुद्ध विवेक दीजिए, सबों के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कीजिए, नए सिरे से आत्मा सामर्थ सबों के अंदर उढ़ेलिए। अनुग्रह कर खुदा, वो अनुग्रह महिमा दे एक हाँ एक एक को। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबों को प्रभु वो अनुग्रह महिमा दीजिए, जो अनुग्रह और महिमा मन को शुद्ध बनाता है, पाक पवित्र बनाए रखता है, ताकि प्रभु हमारे मन की सभी इच्छाएं लालसाएं पूरी हो जाए। सहायता कर खुदा, सहायता कर, मदद कर खुदा। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर लोडे जीसस। धन्यवाद प्रभु, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, जिनको जो कुछ चाहिए आप देने की कृपा करें प्रभु जी। जिसका जो प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, आपकी हजूरी में हम रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, उत्तर दीजिए। सबों के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन का सबों को जवाब दीजिए, ताकि सब आनंद से भर जाए, खुशी हर्ष, हाँ खुशी हर्ष उमंग से भर जाए और आपकी महिमा करें, तारीफ करें, पढ़ाई करें। सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा, सहायता कर खुदा। महिमा प्रशंसा करते प्रभु, तारीफ करते हैं खुदा। अनुग्रह की से, अनुग्रह की से, अनुग्रह की से, अनुग्रह की से। दया की से, कृपा प्रभु तक, करुणा की से खुदा। तरस खाने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं, सूदे लेने वाले आपकी स्तुति करते हैं, प्रभुता करुणा कृपा करने वाले, दया करने वाले धन्यवाद देते हैं। सबों के ऊपर आपका ध्यान रहे, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबों के सर पर प्रभु जी आपकी पहरा रहे, सबों के साथ आपका हाथ रहे। अनुग्रह कर सबों को आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्यार दुलार मिले। धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए। हे यहोवा अनुग्रह कर, हे यहोवा अनुग्रह कर, हे यहोवा अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा प्रभु तक, करुणा कर दे, तरस का शुद्धि ले। अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता, अस्तुति हो पिता। दया कृपा प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए खुदा। बीमारों को छू चंगाई दे, दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा उधेड़, ताकि दुष्टात्मा उनको छोड़ करके भाग नहीं पाए।
अनुग्रह कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते सबों के घर परिवार में, आशीष दीजिए, प्रेम भाव एकता में मिलाप की आत्मा दीजिए, बिखरे हुए परिवारों को समेट लीजिए, टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दीजिए प्रभु, परिवार में सब कुछ ठीक कर दीजिए, बना दीजिए, सही कर दीजिए, खोई हुई खुशियाँ आशीषें लौटा दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, वापस कीजिए, सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये भाई ये बहन जो कुछ आपसे मांग रहे हैं दीजिए, जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु, स्तुति और पिता अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सदरक में शक आप वेदनगों के प्रभु, धन्यवाद करते हैं। एलिया, दानियल, एलिशा, आयुब, याकूब के प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हे इसराइल के परमेश्वर, मूसा, अब्राहम के आपका धन्यवाद करते हैं, मेरा खुदा तारीफ करते हैं, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में जो कुछ भी करेंगे उसमें उनका साथ देना, उनका सहारा बनना, उनका गार्ड करना, सही सलाह देना, ताकि वो सफल हो सके, उस कामों में कार्यों में सक्सेसफुल हो सके, सहायता कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की, हाँ प्रभु जी धन्यवाद की, आप पूरे रात्रि संभाले, एक और नए दिन दिखाए हैं। ये दिन प्रभु जी आशीष का हो सहायता करना, बरकत का हो सहायता करना, खुशी हर्ष उमंग का हो सहायता करना। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो पिता, धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आदर सम्मान करते हैं, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन को ख़त्म कर, मानसिक तनाव को, आर्थिक तंगी को ख़त्म कर, जिनको जो कुछ की ज़रूरत है अद्भुत रीति से पूरा कर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं राजा, सहायता कीजिए खुदा, मददगार खुदा, सहायता कीजिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो लॉर्ड जीसस, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, धन्यवाद कि आप हमारी सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं प्रभु जी, उस पर आप दृष्टि किए और जवाब दिए, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं खुदा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस, सबों के ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहे, सब प्रभु जी आगे बढ़े प्रभु, ऊँचे पर नियुक्त होके सबों का बेटा बेटी आपके छत्र छाया में पले और बढ़े, बुद्धिमान बने, सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, हाँ बहुत आशीषित करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, हाँ सब संभव है, मुमकिन है, आसान है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।